जलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में एक बंदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और कांग्रेस ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर क्या छुपा है। कांग्रेस और मृत बंदी के परिजनों का आरोप है कि गौर चौकी पुलिस द्वारा जमतरा निवासी सुनील सिंह गौर नामक व्यक्ति को गौर पुलिस चौकी में गिरफ्तार किया गया था और उस पर कच्ची शराब तस्करी का आरोप लगाया गया था। कांग्रेस और मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गौर पुलिस ने सुनील गौर को झूठे मामले में फंसाया था और उसके साथ एक व्यक्ति को और बंदी बनाया गया था, जिसे रिश्वत देकर छोड़ने के आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुनील को छोड़ने के एवज में गौर चौकी प्रभारी ने रिश्वत की मांग की थी। जब रिश्वत नहीं दी गई तो गौर चौकी पुलिस द्वारा सुनील गौर की बहरहमी से पिटाई की गई थी और जिससे मार मार कर अधमरा कर दिया गया था और इसी हालत में सुनील को जेल भेज दिया गया था, जिसकी वजह से सुनील की मौत हो गई। कांग्रेस और मृतक के परिजनों की मांग है कि गौर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जाँच कराई जाए। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठ रही है। साथ ही में वही मृतक की पुत्री के भरण पोषण की जिम्मेदारी पुलिस विभाग उठाए, यह बात भी कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जेल में मृतक सुनील गौड़ शराब पीने का आदि था और शराब तस्करी के मामले में उसे जेल भेजा गया था। मामला विवेचना में, आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही गौड़ चौकी प्रभारी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़ के ले आए, पीते खाते हैं वो तो, बगैर दारू के रहते नहीं है, थोड़ा बहुत पीते हैं, वो ही थोड़ा बहुत मिल गया ले आए इधर उठा के। इनसे हम बोल रहे हैं कि छोड़ दो, बगैर दारू के रहते नहीं है। पुलिस वाले कह रहा मेरी जवाबदारी है करके लेके गया था वो DSP, पता नहीं कौन है वो बड़े पुलिस वाले, और चुटकी बजा के निकाल रहा था हमको अंदर से बाहर। अभी सामने बुलाओ उसको, उसकी भी फोटो हो जब तो पता चले। फिर क्या हुआ, कुछ मारपीट वगैरह मारे हैं, मार मार के ऐसे हालत में भेजा दिए। कह रहे थे हमारी जवाबदारी है, ऐसी जवाबदारी के साथ भेजाए हैं, क्या करें। किस उसमें ले गए थे? पीते खाते हैं थोड़ा बहुत, आए थे मिल गई थोड़ी बहुत दारू, इन ला के यहाँ पानी भर दिए और यहाँ वहाँ की वीडियो वायरल कर दिए, इनकी दारू इतनी पकड़ी है, इतनी दारू लेके रखे हैं करके। पीते खाते तो वो पहले ही से हैं, रात दिन पीते हैं, थोड़ी बहुत दारू, बिगर दारू के रहते नहीं हैं। अब यहाँ ला के रख लिए 2 दिन, हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि छोड़ दो, बिगर दारू के रहते नहीं हैं। तो नहीं माने उन्होंने, मारपीट किए और उन्होंने मारे, आबकारी भी पुलिस भी जबरदस्ती उठा के ले आए, और बड़ा पुलिस वाला चुटकी बजा के निकाल रहा था हमको अंदर से बाहर, कह रहा था हमारी जवाबदारी है, ऐसी जवाबदारी के साथ मिले हैं हमको। 2 दिन हुए हैं अभी, 2 दिन नाम बता दीजिए आपका। रोशनी मरावी जमतरा लगा। ये कहाँ का मामला? ये घटना ग्राम जमतरा का है, इतवार का दिन था। इतवार के दिन हमारे छोटे ब्रदर की वाइफ की गंगा जली का प्रोग्राम था, वहाँ सब लोग आए हुए थे। उसी दौरान 3 बजे फ़ोन आता है कि हमारे बच्चों को पुलिस लेकर जा रही मारते हुए। तो हमने तुरंत पुलिस को, चौकी प्रभारी को फ़ोन किया कि सर क्या हो गया। बोले ये दारू बेचते साले। तो मैंने ठीक है सर, दारू मिलते तो दारू जो पकड़े हो आप इसकी जब्ती बना के चलान पेश कर दो और इनको छोड़ दो। बोले मैं छोड़ देता हूँ, शाम को छोड़ दूंगा। फिर जब शाम को इन लोग फिर आए, नहीं छोड़ा, तो दूसरे बच्चे 2 लोग को लाए थे, मुकेश सिंह को और एक सुनील सिंह को आदिवासी। तो दूसरे लड़के को तो 10,000 रुपये शाम को लिया इन्होंने, छोड़ दिया मुकेश सिंह को। और दूसरे को जब मेरे पास खबर आई, बोले एक को छोड़ दिया, एक को नहीं छोड़ रहे। फिर मैं आया शाम को 7 बजे, मेरे को बुलाया यहीं आओ। मैंने सर इसको छोड़िए, मेरे को वीडियो दिखाने लगे फर्जी वीडियो, जबकि 4 लीटर दारू, पूरे गांव बता रहे कि 4 लीटर दारू थी, 3 बोतल 4 बोतल सब लोग बता रहे हैं, और वीडियो में भी इनकी 3-4 बोतल है जो फर्जी वीडियो बनाई इन्हें यहाँ चौकी में ला के पानी के पाउच भर भर के उसमें पानी भर के इन्हें बनाई 6.5 लीटर। तो मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप, ले जाए काम कर रहे हैं, जो आपने जब्ती करी है दारू उसकी जब्ती बनाएँ और कोर्ट पेश कर दें आप। तो फिर उनसे पैसे से मांगते रहे, 20,000 के 50,000, इन्हें पैसे दे नहीं पाए गरीब आदमी। तो उस समय जब चौकी में मैं आया तो लड़के के मुँह से खून निकल रहा था, इतना मारे थे उसको। तो मैंने सर ये मर जाएगा गरीब आदमी, प्लीज सर, मैंने हाथ तक जोड़े चौकी प्रभारी के सामने, मैंने सर ये मर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए सर। किस प्रकार की मांग रखते हैं आप लोग? हम लोग इस प्रकार की मांग रखते हैं, उसकी 2 साल की बच्ची है, 2-3 साल की बच्ची है, उसको पुलिस विभाग अपने गोद नाम में लें, गोद लेकर उसकी बच्ची का पर्यावरण पूरा जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उस शादी ब्याह तक का वो जिम्मेदारी वोटे पुलिस लिखित में दे। दूसरा उसकी वाइफ को 10 लाख का मुआवजा दे। तीसरा उसके परिवार को एक किसी भी 10 को उनके मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए। कौन से क्षेत्र की घटना है ये? जमतरा थाना बरेला चौकी गौर। नाम क्या नाम है? नाम मेरा शिव शरण शर्मा। चौकी प्रभारी कौन है? नितिन पांडे।
उनके द्वारा ये कृत्य जी उनके द्वारा किया गया, और जिन आदमियों ने अपराध किया मजिस्ट्रेट जांच हो, जिनने अपराध किया उनको उचित कार्रवाई की जाए, 302 का मामला बनाकर उनको FIR की जाए और जेल भेजा जाए उनको। अभी आज जिला जबलपुर की केंद्रीय जेल में एक विचाराधीन बंदी की मौत हुई है, और वो जो बंदी था वो यहाँ दिनांक 5 तारीख को पुलिस चौकी गौर है उसमें शराब के केस में बंद हुआ था। 34-2 आबकारी एक्ट का मामला कायम किया गया था और उसकी गिरफ्तारी से पूर्व उसका मेडिकल किया गया था, और जेल में जब दाखिल किया जाता है उसके पूर्व उसका मुलायजा हुआ था, तो उसमें ये लेख किया गया था कि वो शराब पीने का आदी है, और किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, क्या उसको परेशानी हुई है, ये उसका पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ है, ये बात उससे पता चलेगी जब जो भी इंक्वायरी होगी। और अभी परिजनों का ये कहना था कि पुलिस ने गलत केस रजिस्टर्ड किया इसलिए वो नाराज़ थे, तो उनको बताया गया है कि इस मामले की जांच पुलिस नहीं करेगी, आपके जो भी बिंदु हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो जो भी इंक्वायरी करने वाला अधिकारी होगा उसके सामने आप रखेंगे। तो चूंकि पुलिस जांच नहीं करेगी इसमें, तो पुलिस कोई इसमें कोई गलत नहीं कर सकती है, तो आपकी जो भी सही बातें हैं वो जांच के बाद क्लियर हो जाएंगी। चौकी प्रभारी की भी बदलाव की मांग रख रहे हैं, चौकी प्रभारी को लेके शिकायतें हैं, तो इस पर भी हम गौर करेंगे। क्या है एक मिनट सर, एक वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।